दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्लांट हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। ग्रीनरी और पेड़ पौधे तो ऐसा लगता है हमारे जीवन का हिस्सा है। और जब से ये कोविड हुआ है ना, लोगों ने इतना प्लांट अपने घर पे लगाया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, लेकिन आज मैं आप एक ऐसे प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। और ये प्लांट क्या है? ये प्लांट है एलोवेरा का प्लांट, जो बहुत ही आसानी से घर में लग सकता है। और भी कुछ ऐसे प्लांट है जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट आज मैं सिर्फ एलोवेरा के बारे में बात कर रही हूँ। उन सब प्लांट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं एलोवेरा तोड़ने आई हूँ अपनी सोसाइटी के गार्डन से। तो आप देख सकते हैं कि कितना घना लगा हुआ है। और एलोवेरा ना बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजली लग सकता है, तो आप इसे अपने घर में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आज इसी एलोवेरा प्लांट से मैं आपको एलोवेरा जेल बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलका हॉबी जंक्शन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एलोवेरा जेल बनाना सिखाऊंगी, उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ और उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि एलोवेरा जेल को कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। अक्सर हम एलोवेरा जेल मार्केट से खरीद कर लाते हैं या एलोवेरा जूस लाते हैं, तो आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एलोवेरा जेल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अपने गार्डन से बहुत सारे एलोवेरा जेल तोड़ के लाई हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश है। तो हम पहले इसके बैक को कट कर लेंगे इस तरह से, दोनों साइड से, और इसको साइड, इसके साइड को इस तरह से हमें पील कर लेना है। दोस्तों, आप इस एलोवेरा जेल को ना बहुत टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हो, पर इसे कैसे स्टोर करना है वो भी मैं आपको अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगी। इसमें पहले मैं आपको एलोवेरा जेल बनाना सिखा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, इस तरह दोनों साइड से हमने कट कर लिया है। अब इसका ये वाला पार्ट नहीं, हमें जो ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट होता है ना, उसको पील करना है। इस तरह से इसको पील कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना, और एक बार बनाकर इसे आप काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। आजकल हम जानते हैं कि जैसा कि बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं, तो उसमें भी एलोवेरा जेल बहुत ही काम आता है। तो ये देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने पील कर लिया है, ये देखिए। तो इसी तरह हम सारे एलोवेरा को पहले छील लेते हैं, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं, अब हम इसको स्पून से इस तरह से बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है, ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से निकल रही है। तो सभी जेल को हम ऐसे ही निकाल लेंगे एलोवेरा से। दोस्तों, एक ये ऐसा प्लांट है ना जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है, तो आप इसे अपने बालकनी में, अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं। इसको लगाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ज्यादा केयर भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा एलोवेरा जेल निकल चुका है, बट मैं इसको बताती हूँ कि इसको स्टोर कैसे करना है। अगर आप इसको स्किन में लगा रहे हैं, हेयर में लगा रहे हैं, तो इसमें 1 से 2 विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और विटामिन ई कैप्सूल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हेल्थ के लिए भी, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं लगभग इतने एलोवेरा जेल में 1 विटामिन ई की कैप्सूल डाल रही हूँ, ये देखिए। इस तरह से इसे हम स्क्वीज कर लेंगे, एक पिन से मैंने इसे में होल्ड कर दिया है और इसको स्क्वीज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा एलोवेरा जेल तैयार हो गया है। अब मैं फटाफट इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हैं, इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, ये बिल्कुल जेल फॉर्म में आ गई है। तो मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ। दोस्तों, जब आपको इसे ड्रिंक करना हो तो आपको इसमें विटामिन ई कैप्सूल नहीं डालने, और इसमें लगभग 1 से 2 टेबल स्पून में 1 ग्लास आप पानी डालकर इसे पी सकते हो। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बता, और दूसरी बात ये कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ये मैं बताती हूँ। आप इसे हेयर में भी लगा सकते हो, अपनी स्किन में भी लगा सकती हो, वेट लॉस में भी बहुत काम आती है, क्योंकि मैंने वेट लॉस में भी बहुत एलोवेरा जेल पिया है। तो मुझे पता है कि एलोवेरा का जो ड्रिंक आता है वो वेट लॉस में बहुत ही बेनिफिट होता है, और साथ साथ किसी तरह की स्किन में रैसेज हो जाती हैं, इचिंग होती है, तो भी लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लांट से कितने सारे बेनिफिट हैं।
तो आप इसे घर में बनाकर फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। कम से कम 10-15 दिन तो आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरी बार फिर से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आने वाली वीडियो में आपको एलोवेरा जेल को हेयर में कैसे यूज करते हैं और उसके क्या बेनिफिट है हेयर में लगाने की, तो उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और एक स्किन की भी बताऊंगी कि एलोवेरा जेल को आप स्किन में अपने फेस में कैसे यूज कर सकते हो। तो प्लीज, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो आए वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ।